Alright, ladies and gentlemen, so for Halloween special, we are with Bus Char Kadam. So it's going to be a mix of horror and travel stories. And since it's Halloween, so can we change the lighting a little bit? Alright. Nice. Let's start. Okay, so first of all, I would like to tell the audience ki jo bhi ghatnaye mere saath ghati hai, wo sari how do you say काल्पनिक. सच्ची घटनाओं पे आधारित है. सच्ची कल्पनाओं पे आधारित है. Exactly. So it all started when I was, let's say, 13-14 years old. So सबसे पहली स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी that I will share with you guys. तो हुआ क्या था कि I was taking a shower. हमारा वॉशरूम थोड़ा सा घर से बाहर की तरफ था. तो मैं छोटी थी, like all the kids, मैं अपने मस्ती में नहा रही हूँ. एंड देन सडनली मेरे को याद आता है कि वो शिट, मैंने अपने फेस पे तो कुछ लगाया नहीं, मैंने तो अपना मुंह धोया ही नहीं. तो फिर फिर मैंने ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है मैं अभी मुंह धोती हूँ, फिर मस्त एकदम बाहर जाके तैयार वैर होके चले जाएंगे घूमने, जो भी प्लान था. तो जैसे वैसे साबुन लेके, दैट टाइम आई यूज टू यूज साबुन बिकॉज छोटी थी, नो फेस वॉश, तो साबुन लेके ऐसे मुंह पे मैंने लगाया. और मेरे को तब भी मेरी मुझे पता था कि हाँ ठीक है डर लगता है, व्हाट डर एक्चुअली इज, कि ये क्या होता है, ये सब मुझे पता था बिकॉज आई टू लिसन. तो उस टाइम पे पता था और पापा मम्मी भी थोड़ा ऐसा सुनाते थे हम, क्योंकि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ ये सब वो सब, तो ठीक है तो मुझे पता था. तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा आँख खोल के, आँख में ना लगा के मैं ऐसे ऐसे करती हूँ. और मैं जब ऐसे आँख बंद करके, व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऐसे सिंक को फेस करके, आई वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज वॉशिंग माय फेस, एंड देन सडनली आई सॉ अ नेकेड गर्ल स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक राइट हियर. उस मतलब पूरी नेकेड, ऑल वाइट विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, ऑल ब्लैक हेयर, लंबा, ऑल वेट, जैसे मैं पूरी एकदम, मैंने मेरे साथ साथ ही वो नहीं हो टाइप्स ऐसा. और मैं एक सेकंड के लिए आई वाज लाइक कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो मम्मी मारेगी, कि अब मैं ना चिल्ला सकती हूँ और मैं ना ऐसे भाग सकती हूँ. तो मैंने फटाफट अपना ऐसे मुंह धोया ना, आई वाज मतलब शी वाज लिटरली लुकिंग एट मी लाइक दिस, और मैं ऐसे खड़ी हूँ, वो मेरे रिफ्लेक्शन में थी, आई हैव नो आइडिया, मैं ऐसे खड़ी हूँ और वो मेरे यहाँ पे आ रही है एंड शी इज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस. इमेजिन समबडी स्टैंडिंग विद यू और ऐसे पूरी नेकेड है, पूरे ऐसे लंबे काले बाल है एंड शी इज जस्ट लुकिंग एट यू ऐसे. तो मेरी फटी, मैं फटाफट से मुंह धोया और मैं भागते, मैं चुप जा, खड़ी भी और तू मुंह धो रही है वहां पे. हां मतलब मेरा माय आईज वाज नॉट पूरा सा ऐसे क्लोज्ड, इट वाज थोड़ा सा ऐसे जैसे थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा खुला, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि भैंस क्या, कि क्या है. फिर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी हो गई थी कि मैं क्या करूँ. फिर मैंने अचानक से मुंह धो के मैंने देखा कि कोई है या नहीं है ना, मतलब मैं फटाफट से वहां से भागी, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, आई जस्ट रैन एंड बैठ गई मैं वहाँ जाके. मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैं बोला कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है. फिर उसके बाद मैं फॉर लाइक अ मंथ आई वाज सिक, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सारी मेडिसिंस खा ली, कुछ नहीं हुआ. फिर उसके बाद माय ब्रदर सजेस्टेड कि हमारे घर के साथ में एक मौलवी रहते थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, वो ही वॉज़ फ्रॉम कैलकटा, तो कैलकटा में बहुत होता है ये सब. तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप इसको लेके जाओ, उसको थोड़ा झाड़ा वाड़ा लगवाओ. तो वहाँ से फिर उन्होंने बताया, तो यहाँ से फिर मेरे को धीरे धीरे शुरू हुआ. This was the first of. This was the first. Their origins. Yes. This was the. Oh my. This was the first. पहले time जब जाको पता लगा कि उसके पास mutation power है. दिखते नहीं है, बट यस अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है तो यस आई कैन फील इट. ये वाला सही फट रही है. मैं तो बस पूरा वो कर रहा हूं उसको, ये जे आके आंखों में साबुन चला गया सुमित थोड़ा सा, तो यस मैं सुनूंगा ही नहीं पूरी कहानी. और भी बहुत सारे हैं, मतलब होता ही, मतलब वहां से तो It started getting worse and worse and worse. Kitchen की तो दो है. तो पहले जहाँ पे हम रहते थे तो वो सब बोलते थे कि यार ये घर थोड़ा सा ना हॉन्टेड सा लगता है, वो थोड़ा पुराने स्टाइल पे था. छतरपुर. तो
थोड़ा ऐसे पुरा रहे और राजपुर तो थोड़ा सा ऐसे मतलब सब बोलते थे कि हॉन्टेड है, बट हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ. मेरे घर पे किसी को भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. जो भी कुछ हुआ था वो मेरे साथ ही हुआ था, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीजन इट वॉज मी. तो हम आदि और हम सारे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे. मेरे ऊपर मामा वगैरह रहते थे, हमारे सारे कजिन्स, और नीचे हम लोग रहते थे. सो मम्मी वगैरह उस टाइम पे घर पे नहीं थे. इट वॉज जस्ट अस ब्रदर एंड सिस्टर्स और कुछ हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे. तो ये कितनी बड़ी थी तू तो? तब भी छोटी थी यार, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब स्कूल टाइम का ही सारा था. तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा डिनर बना हुआ था, ऊपर ऊपर भी था नीचे भी था. तो भैया ने बोला एक काम कर, जाके मेरे से मेरे लिए नीचे से खाना लिया, सब एक साथ बैठ के ऊपर खा लेंगे. लाइक ओके, खाना पीना हम लोग लेके गए. नीचे कोई भी नहीं था, ओनली माई ग्रैंड मदर वॉज स्लीपिंग, शी वॉज ऑल्सो सिक. तो हम खाना वाना लेके ऊपर गए, खाया पिया मस्त. और मैंने बोला कि चल ठीक है दीदी, ऊपर डिशेस कर लेगी, मैं नीचे जाके कर लेती हूँ. मैं अपने सारे बर्तन उठा के नीचे ले आए, कोई नहीं है घर पर, नो बडी, दादी सो रही है. मैं ऐसे झाँक के गया कि ठीक है दादी सो रही है. भैया का रूम से किचन वॉज कनेक्टेड, ठीक है. तो मैं अपने मस्ती में बर्तन धो रही हूँ, पीछे से मुझे भैया के रूम से ऐसे आवाज़ आती है, किस 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 ऐसे. मैं कह रही एक सेकेंड, घर पे कोई है नहीं, पीछे से कुछ आवाज़ भी आ रही, रात का टाइम है. फिर मैंने इग्नोर किया, एक दोबारा इग्नोर, मैं अपना काम कर रही हूँ. जैसे ही फिर सब कुछ हुआ, फिर दोबारा पीछे से आवाज़ आई, किस किस. मैं कह रही बेटा आप भाग लो. मैंने सब कुछ छोड़ा, फिर मैं ऊपर भागी, फिर मैं जाकर चुपचाप बैठ गई. अब मेरे एक्सप्रेशन से सबको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है. ये लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या. मैं कह रही कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठ गई. फिर अगले दिन बीमार. सो वेन एवर दिस थिंग हैपन्स विद किसी के भी साथ, तो कुछ ऐसा ना होता है कि अगर आपके यहाँ छाया, क्या बोलते हैं, इफ योर साया नहीं छाया, परछाई राशि जो होता है, अगर वो आपका हल्का होता है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है. तो तू जाके बैठ क्यों जाती है, तू बता. मेरे को नहीं पता, मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि अगर मैं सबको बताऊंगी तो एवरीबॉडी विल से कि लाइक ऐसी होगा, वहम होगा या कुछ, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है. पर सब मेरे को यही बोलते हैं कि शायद तू सोच रही होगी या तेरे दिमाग में कुछ ऐसा होगा, बट जिसके साथ होता है उसी को पता होता है. तेरे साथ हुआ है कभी? मम्मी ने डांटा है कि रहो वही सबसे डरावनी चीज़ थी. मैं आज के बाद आते थे तब गांड पड़ती थी, फक भाई अब मम्मी को नंबर बताने पड़ेंगे, मैं आज वो आज के ना खुलती जैसे हाँ. सो ये यार, इफ यू बिलीव इन गुड, देख माय फिलॉसफी इज बिकॉज़ आई बिलीव इन God and the good parts, of course there if is you believe in good spirit then you have to believe in bad bad bhi hote hain na. maine to pooja karte karte dekha hai, pooja karte karte kaun dekhta hai bhai, good spirit hua na matlab. no it was bad. how do you know it was ja raha tha? no pooja nahi hai, thoda enjoy karenge wo. ab in navratron ke time ki baat batati hu, theek hai. abhi नहीं नहीं जब पहले वाला अभी मैंने तेरे को क्या बोला, तू प्रैक्टिकल करके प्रिपेयर करके आ रही है कि हुआ क्या था कि मैं पूजा कर रही थी शाम के टाइम पे. मैं पूजा कर रही थी और जैसे मैंने बताया उसी पुराने घर पे ऊपर की तरफ से ऐसे स्टेयर्स जाते हैं और नीचे, मतलब घर इज कनेक्टेड बेसिकली. तो मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने फुल एकदम धूप बत्ती दिया बत्ती पूरे घर पे ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है. मैं हमेशा एंट्रेंस के तरफ भी जाती हूँ, एंट्रेंस के तरफ ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है. मैं फुल ऐसे अगरबत्ती लगी हुई हूँ. एंड सडनली व्हेन आई टर्न्ड ऐसे, और बहुत अंधेरा था उस टाइम पे बिकॉज आई थिंक लाइट भी नहीं थी. हाँ लाइट भी नहीं थी घर पे, तो सिर्फ वो मोमबत्ती का रोशनी था. मैं पूजा करते करते लाइट गई थी, ठीक है. तो पापा ने बोला एक काम कर, तो पापा ने बोला एक काम कर तू कर ले, मैं धूना जला के लाती हूँ, हमारे यहाँ पे धूना जलता है एनीबडीज फैमिली. तो पापा ने, मैंने बोला ठीक है आप कर लो, मैं जाती हूँ घर पे घुमा के आती हूँ. तो जैसे ये फॉर एग्जांपल दीज आर द स्टेयर्स, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड आई एम डूइंग दिस. मेरे को ऐसा फील हुआ कि आई सॉ समबडी, अ लेडी बेसिकली वेयरिंग वाइट साड़ी. मुझे ऐसा लगता था ये सिर्फ फिल्म में होता है, बट नहीं, ट्रू भी होता है. तो शी वॉज सिटिंग लाइक दिस, आई वॉज नॉट एबल टू सी उसका फेस,
वो पूरा बाल ऐसे आगे करके शी वाज सिटिंग लाइक दिस जवान की तरह हाँ और ऐसे लाइक वेटिंग की कब तू खत्म करेगी और मैं आऊंगी ये वाला सीन था ठीक है फिर से तूने फिर पूजा रोकी नहीं होगी नहीं मैंने बोला मम्मी सीढ़ी में बाहर कोई तो है उस टाइम मम्मी वाज इन द रूम मैंने बोला मम्मी सीढ़ी में बाहर कोई तो है तो कहती कि कौन है मैं जाके देख कर आती हूँ पूरा ऐसे फ्लैश व्लैश मार के आई कह रही नहीं कोई भी नहीं है मैंने बोला नहीं कोई तो है शी वाज लाइक नहीं कोई नहीं है सो यस वो वाला बताओगे जब भैया रात को आए थे आदि तेरे साथ नहीं हुआ तो उसके साथ हुआ है मतलब मेरे मेरी सिस्टर है बड़ी सिस्टर तो हम लोग ऐसे मॉल से आ रहे थे ये सिलेक्ट सिटी की बात है तो नहीं बहुत टाइम पहले की बात है तो बहुत छोटा था उस टाइम तो हम लोग सब लोग ऐसे मॉल से घर गए थे छतरपुर में छतरपुर नंदा वो है ना एक वहाँ पे ट्री है बहुत बड़ा सा हाँ। तो किसका पेड़ है वो पीपल का पेड़ है वो तो वहाँ पर ना तो वहाँ पर ना एक आइसक्रीम वाले की भी शॉप थी वहाँ पर उस टाइम पे तो हम सब लोग ने मतलब घूम के और आइसक्रीम खाई हमने वहाँ पर तो हम सब आराम से दुकान के अंदर ही बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे मेरी बड़ी वाली बहन को पता नहीं क्या हुआ वो आइसक्रीम लेके और पेड़ के नीचे चली गई और वहाँ खड़े होकर आइसक्रीम खा रही है कहते हैं ऐसा हो तो करना नहीं चाहिए ना पीपल के पेड़ में होता है तो वो वहाँ पर आइसक्रीम खा रही है हमें हम लोगों ने उसको रोका ही नहीं हमें लगा कि ऐसी बाहर चल के खा रही होगी वो आइसक्रीम तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ फिर हम लोग अचानक से घर पे आए और घर पे आने के बाद रात हो गई थी तो हम लोग सो गए ठीक है फिर मैं सुबह स्कूल चला गया कि स्कूल में था उस टाइम पे स्कूल चला गया और फिर घर पे आके देखा तो सब लोग ना रो रहे हैं मेरे घर पे मैं पता नहीं क्या हो गया एकदम से क्यों रो रहे हैं सब लोग तो जो मेरी बड़ी वाली बहन है उसको अलग से चेयर पे बैठा रखा है और सब लोग ऐसे सोफे पे बैठे हुए हैं और सब लोग रो रहे हैं वो भी रो रही है ऐसे तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हो गया ऐसे क्यों रो रही है तो मैं सब लोग क्यों रो रहे हो तो उसने बोला कि कुछ नहीं अभी बताऊंगी थोड़ी देर वो बता नहीं रहे मेरे को तो फिर एकदम से वो ना अजीब सी आवाज़ करके बात करने की कोशिश कर रही है उसे हो नहीं पा रहा लेकिन वो कैसे करके फिर वो नॉर्मल बात कर रही जा रही है ठीक है फिर उसके आंसू निकल रहे हैं फिर से उसकी आवाज़ हैवी हो जा रही है तो ना एक हमारे में एक वो होते हैं लाइक जो भक्त होते हैं जो मतलब पूजा पाठ करते हैं तो उनको बुलाया मेरे मामा ही थे वो तो उनको बुलाया और उनको बोला कि एक बार देखो क्या हो गया उसको पता नहीं तो उन्होंने ऐसे वो पूजा वूजा की उसको बिठाया तो फिर उसमें क्या हुआ तेरे को क्या हुआ पहले नॉर्मल बात कर रही हो कह रही कुछ नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ तो सब लोग पता नहीं मेरे को देख के क्यों रो रहे हैं ऐसे नॉर्मली बात कर रही हो फिर एकदम से ऐसे पूजा वूजा की तो गंगा जल उसको ऐसे जैसे छिड़का ना तो ऐसे ऐसे करके एकदम से यूँ होगी फिर एकदम से बोला किसने बोला था आइसक्रीम खाने के लिए पेड़ के नीचे मतलब इतनी हैवी आवाज़ थी ना वो आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं कोई अगर आदमी भी होगा ना वो इतनी हैवी आवाज़ निकाल ही नहीं सकता बहुत ही ज्यादा हैवी आवाज थी वो और उसको और रो रही है वो और फुल एकदम से उस अलग ही रूप में आ गई वो एकदम से फिर उसको पूछा है कि उन्होंने पूरा पूछा कि लाइक कौन है तू कहाँ से है ये वो सब चीज़ें वो पूछा तो उसने पूरा बताया कि मैं 16 साल की लड़की हूँ वैसी आवाज़ में भारी आवाज़ में कि मैं 16 साल की लड़की हूँ और मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी रोड पर और मैं उसी पेड़ पर ही रहती हूँ पीपल वाले तो मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है और इसने वहाँ खड़े होकर आइसक्रीम खाई है और मेरे को ये लड़की जो है उस टाइम पे मेरी बहन भी आई थिंक 16 साल की ही थी तो उसके मतलब बॉडी में आ गया वो पूरे घर तक आई कह रही मैं नहीं छोड़ूंगी इसका शरीर मुझे पसंद है ये शरीर ऐसे करके ये मुझे आइसक्रीम खिलाएगी और ऐसे करके और वो बहुत मतलब हैवी आवाज़ में बोले जा रही है फिर एकदम से उसको मतलब कुछ तो उन्होंने किया और फिर एकदम से जैसी और बारिश हो रही थी उस टाइम पर दिन का टाइम था जब वो पूजा पाठ हो रही थी तो वो जो मेरे मामा थे उन्होंने कुछ तो ऐसे वो कुछ लेके गए और वो बहन वही है मेरी वो रो के एकदम से ऐसे नीचे हो गई है फिर जैसे वो बारिश होती जैसे वो गेट के बाहर निकले है ना और हमारा वो था मेरा सॉरी खिड़की थी तो उसका शीशा टूटा है लिटरली ये मैंने लाइव देखा है मैं सोचता था कि भाई ये फेक करते हैं मूवीज़ में ये सब कुछ भी नहीं होता ऐसे और उसका शीशा टूटा ऐसे चटका है पूरा और वो लेके भागे हम बारिश में और उस पेड़ के पास ही जहाँ पर उससे वो आया था और वहाँ पर उसको जाके छोड़ा है लेकिन उसके बाद जब तक वो घर आए थे ना उसको दोबारा से वो चीज़ होने लग गई सो मतलब मेरे घर से वो जो लोकेशन है वो तकरीबन हो गया आधा किलोमीटर तो जैसे उन्होंने जब तक उसके उनके हाथ में थी तब तक उसको कुछ नहीं हुआ फिर जैसे उन्होंने छोड़ा होगा वहाँ से तो तुरंत इतनी स्पीड में वो फिर से आ गई है उसके अंदर से तो वो ठीक ही नहीं हुई तो फिर उसके बाद मेरे जो नाना है
तो वो उनको बुलाया मम्मी ने, तो नाना का पहले ही कॉल आ गया था, बताया भी नहीं था उनको कि तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही, मुझे पता है मम्मी को। तो फिर उसके बाद वो नाना आया, फिर नाना ने उसको ढंग से फिर वो पूजा पाठ जो भी थी वो चीज़ किया, फिर वो ठीक हुई है। और उसको अभी बिलीव नहीं होता, जब हम उसको ये स्टोरी बताते अपनी बहन को, उसको बिलीव ही नहीं होता, कह रहे झूठ बोल रहे तुम लोग, ऐसे हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो ये रियल स्टोरी हुई है मेरे खुद के घर पे। तब से हम जब भी जैसे लाइट वाइट चली जाती है कुछ भी, आज भी जब वो घर पे आती है और उसके पास नहीं बैठते। मुझे आता है भाई, मेरे को भी अभी भी भैया कहते हैं अगर कोई मूवी रिलीज हुई है फॉर एग्जांपल ना या कुछ भी, मैं कहती हूँ मेरी भी टिकट कर दे, कहते नहीं तो घर पे है, यू आर बैंड, तो नहीं जा सकती, नहीं देख सकती। एक और स्टोरी मैं उस पर देखती हूँ सच में, नेटफ्लिक्स पे जब आता है ले आई वॉच अकेले वो भी। एक वो अंकल वाली स्टोरी है जिससे मेरी बहुत फटती है, माय फादर, इसके पापा की स्टोरी है। तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम सुनाई थी भाई हालत बुरी हो गई थी। उसमें क्या था कि अंकल ना मतलब कहीं से आ रहे थे, जॉब से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, शायद से मैंने सुना है, तूने यहाँ बैठ के सुना है। तो पापा वाज वर्किंग एट दैट टाइम, बट दिल्ली में इतना डेवलप नहीं था, इट वाज ऑल जंगल जंगल टाइप सी, और इतनी इजीली ऑटो या कुछ ऐसा मिलता नहीं था। सो यू कंटिन्यू। हाँ, तो फिर उसके बाद वो आ रहे थे ऐसे अपने घर, रात का टाइम था और आई थिंक 1-2 बज रहा था रात को, तो उस टाइम पे कुछ था नहीं आने के लिए, ना कैब वैब तो चलती नहीं उस टाइम पे, तो पैदल ही आ रहे थे वो। तो ठंड का टाइम था, तो एकदम से ना वहाँ से सामने से एक बाइक वाला आता है, स्कूटर वाला आता है, और वो एड्रेस पूछता है अंकल से कि ये कहाँ पर है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ से सीधा जाके है। तो फिर अंकल ने बोल दिया कि अगर जा रहे तो, उसने खुद बोला था ना कि आपको अगर छोड़ना है, हाँ कि अगर आपको छोड़ना है तो बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा वहाँ पर। कहता जल्दी बैठो जल्दी, मेरा स्कूटर अगर बंद हो गया तो ये शुरू नहीं होगा। हाँ तो फिर अंकल ने बोला ठीक है लिफ्ट मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकल बैठ गए उस पर स्कूटर पे, फिर एकदम से वो चल रहा है फिर एकदम से रॉन्ग साइड पर आ गया वो, और सामने से आ रहा है ट्रक, ठीक है, और ट्रक आ रहा है और लिटरली अंकल कह रहे भाई पागल है क्या, कहाँ जा रहा है, रॉन्ग साइड पे कैसे जा रहा है वो, सामने से ट्रक भी आ रहा है, कह रहा है वो कुछ नहीं रहा, चल रहा है। तो फिर अंकल बोला क्या कर रहा है, तो उधर लेना ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा है ऐसे। अंकल ने बोला कह रहा छोड़ना, जैसे मैं मरा था वैसे तू भी मरेगा, ऐसे बोला। और अंकल उसके बाद कूद गए थे, कूद गए थे अंकल, और वो गायब हो गया वो ट्रक के अंदर, वो बंदा गायब, लेजिट गायब। जरूर रुकना चाहिए था भाई, स्कूटर बंद हो जाती उसकी। बता भाई क्या क्या बताओ भाई, ये नहीं तेरी फट रही है अंकल, ठीक है ना, मैं खुश हूँ, तेरी फट नहीं रही भाई, जो जैसे तू बोल रहा है तू बोल में मानता है, तू उसमें मानता है, मैं दोनों, मैं किसी में भी नहीं मानता ना, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट होती तो है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, बट भाई होते, मैं भी नहीं मानता, काफी चीज होती है भाई जो मैं है, बट मुझे पता मैं नहीं मानूंगा, किडनैपर को बोलते थे कि आप ही रख लो हमें, बॉडी वॉडी बन जाएगी मेरी, क्या पता होता है उसको, पता चलता है, मैं अगर प्रोसेस हो गया ना भूत से, मैं उसको बोलूंगा नहीं निकल, मैं अपने आप को इतना टॉर्चर करूंगा कि वो परेशान हो जाएगा कि भैंस उतना कहाँ आ गए, वो चला जाएगा कि भाई सॉरी मैं जा रहा हूँ, थोड़े पैसे वैसे भी देके जाएगा। अभी बीच में क्या होता, हम लोग लैंडोर गए थे, ठीक है, ओह माय गॉड, तो हाँ तो वहाँ पर ना एक जगह पे जहाँ हम रुके थे, तो वो ना ब्रिटिश, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट एक तो हमें, हम ऐसे बाग उठा के चले गए कि चल कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, अनप्लान्ड था, ठीक है, हम पहुंचे, अब हम वहाँ पे सुबह पहुंच के जैसे तैसे लैंडोर पहुंचे, वहाँ पे पहुंच के हम ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ रुके, एक प्रॉपर्टी देखा दूसरा देखा, नहीं मिला, थक हार गए, मैं बोला आदि कुछ भी मिलेगा ना ले लियो, तो ये बेचारा बैग उठा के गया, ऐसे थोड़ा हिली सा था रोड, वहाँ पे गया, फिर जाके हमें वो प्रॉपर्टी मिले, बाहर से देखने में तो इट वॉज एक नंबर, अंदर मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो वहाँ पे अगर रुकेंगे डर जाएंगे बेचारे। तो वहाँ का जो ओनर है उसने बताया था हमें कि ये जो है ना जगह, ये वो ब्रिटिश टाइम का प्रिजन था। तो अब वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ गई थी,
ठीक है कि यहाँ पर भाई ऐसे था तो, और जो हम लोग रुके थे वो बहुत बहुत बड़ा रूम था, मतलब दो रूम थे जैसे एक रूम है वन प्लस वन था वो एक रूम है फिर उसके अंदर एक और रूम है ऐसे था वो ठीक है। अब मतलब पुराने टाइम का ही बना हुआ है वो पूरा, वैसे ही मसाले वशाले जैसे जलती थी घरों में वैसे टाइप का बना हुआ था वो। हम लोग रुके वहाँ पर, पहले फुल बात बात कर रहे हैं आराम से कि कल यहाँ जाएंगे, ये घूमना है हमें, वो घूमना है, पूरी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। फिर जैसे जैसे रात होती गई, दो रूम है, एक अंदर वाला रूम है एक बाहर वाला रूम है, और उसमें सिर्फ हम दोनों ही हैं ठीक है, और कोई भी नहीं है उस रूम में। पर मैं इसको नहीं बता रहा कि मेरे को डर लग रहा है ना, ये मेरे को बता रही है कि मेरे को डर लगा। हम जबरदस्ती बात कर रहे हैं कुछ भी कि बस कैसे करके रात निकल जाए, अगर हम लोग चुप हो गए तो पक्का कुछ तो कुछ हरकत होने वाली है, यहाँ पर पूरा विश्वास था। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे बात कर रहे बात कर रहे और डर भी रहे हैं, हमने बताया नहीं एक दूसरे को। फिर हम लोग सो गए, मतलब हुआ नहीं कुछ उस टाइम पे, बट सुबह उठ के फिर एक दूसरे कह रहे हैं यार तेरे को पता है मेरे को ना कल रात कह रही हाँ मेरे को भी लग रहा था, लेकिन मैं ना बता नहीं थी कि तू ना डर जाए क्योंकि मेरे को पता है इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे सीन हो रखे हैं, अगर जहाँ ये डर थी तो भाई मेरी वैसे ही फट जाती, मैं रुक ही नहीं सकता था। फैमिली भी यही है कि अगर जया को आगे भेजो, अगर इसको कुछ लगा मतलब कुछ तो डिटेक्टर है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो अगर इससे बोल दिया तो है मेरे घर आइयो, तो कभी मेरे घर पे भी चेक करवा मेन्यू कार्ड बता दिया मेरा रेट कार्ड। बट फिर तेरे को उसका ओरिजिन पता चला कि तेरे को क्यों ऐसा पता चलता है, लाइक कुछ फैमिली से कुछ पास ऑन हुआ है, म्यूटेशन है? नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ फैमिली से पास ऑन नहीं, जस्ट किसी का भी जैसे होता है ना, किसी का अगर क्या बोलते सन साइन या मून साइन अगर बहुत हल्का होता है तो उसको वो हावी करता है किसी, आई एम वेरी श्योर कि हर दूसरे बंदे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, बट इट डिपेंड, बट इसके घर पे तो मुझे भी फील हुआ है। हाँ, बट वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन की वो कैसे लेता है। मतलब मेरे साथ एक्सट्रीम जो हुआ था, मतलब इट वॉज वेरी बैक टू बैक वेरी कंटिन्यूस थिंग, तो मतलब मेरे को ऐसे गंदे सपने आना या कहीं से ऐसे एकदम रॉटन स्मेल आना, तो वो जो वो सारी चीज़ें हो रही थी, बट आई वॉज टेकिंग इट वेरी लाइटली। बट देन एक रात को क्या हुआ था, भैया यूज़ टू डू नाइट शिफ्ट, तो मैं भैया के रूम पे ही सोती थी, तो भैया रात को आके मेरे बगल में एक मेरा स्टडी टेबल था, स्टडी टेबल के वहीं पे मैं नीचे बिस्तर लगा के सोती थी और भैया भी सोते थे साथ में। सो भैया आए थे रात को आई थिंक 2-3 बजे के आसपास, तो आके वो मेरे साइड में ही बैठ के खाना खाते थे, तो मुझे पता चलता था कि हाँ भैया आ गए या खाना खा रहे हैं जो भी है। मैं उस दिन बहुत आई वॉज़ वेरी टायर्ड, मैं सो गई, मैं जल्दी सो गई, सो के और मेरा फेस वॉज फेसिंग दी स्टडी टेबल, तो मतलब ऐसे इस तरफ अगर स्टडी टेबल तो आई एम स्लीपिंग लाइक दिस, उस तरफ फेस करके ठीक है। अब मेरे को सपना आना शुरू हो रहा है धीरे 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 धीरे, वो मेरे को जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है वैसे ही हो रहा है ठीक है। मैं और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि समबडी, जिस घर पे मैं पहले थी वहाँ पे पूरी फैमिली थी, पीपल ऑफ डेड पीपल की पूरी फैमिली थी, ये मुझे बताया था किसी ने, मतलब जिस घर की है मैं स्टोरी बता रही हूँ, इनसे पहले वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं नहीं, उस घर पे पूरी फैमिली की एक आत्मा टाइप्स थी, तो वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे आंटी भी थी, वहाँ पे अंकल भी थे, तो पूरी एक फैमिली यूज टू लिव देयर, क्योंकि मेरे घर पे बच्चा भी देखा है मैंने, बूढ़ी आंटी अंकल भी देखे है, और मेरे दादा यूज टू स्लीप आउटसाइड, तो उन्होंने रात में बच्चों को रोते मतलब ऊपर जाते हुए भागते हुए खेलते हुए देखा है, वो भी उन मतलब है उस घर में कुछ तो है ठीक है। सो कभी वही है टाइम शिफ्ट हो गए तो एक रूम तो बंद ही रहता था वो आगे वाला, हाँ आगे वाला रूम बंद करा हुआ था, सबने आके बताया, जितने भी लोग आए ना सबने बोला कि भाई इस रूम पे, इसी रूम पे, एंड आई नो द स्पेसिफिक जगह की किस जगह पे है, तुम साले गई मजे कर रहे हैं बहुत उस घर में। सो क्या हुआ था कि भैया आए खाना वाना खा रहे हैं, मेरे को धीरे 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 वो चीज ट्रिगर कर रही है ठीक है, मैं सो रही हूँ अचानक से, फिर वही कि मैं कोशिश कर रही हूँ उठने की, मैं उठ नहीं पा रही, बट मेरा मेरे को थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा है, मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही है,
तो सम बूढ़े अंकल वाज सिटिंग मेरे पैर के पास और उसने मेरा पैर ऐसे पकड़ रखा है, पैर उसने ऐसे पकड़ रखे है, नहीं मतलब मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, एकदम गोरा लाल ऐसा स्वेटर टाइप कुछ पहना हुआ उसने गोरा, और ही वॉज जस्ट सिटिंग लाइक दिस और मेरा ऐसे पैर पकड़ के बैठा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, सपने में चिल्ला रही हूँ बट मैं असली में भी चिल्ला रही थी कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, ये मुझे लेके चला जाएगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बोल के मैं चिल्ला रही हूँ। भैया ने बोला कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने ऐसे भैया को पकड़ा, बोला भैया कोई है ये मुझे लेके जाएगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा आज। और मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ, चिल्लाई चिल्लाई, फिर मैं अचानक से उठी और उठते ही देन आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर उसके बाद मम्मी को किसी के थ्रू पता चला कि कोई है ऐसे जो झाड़ फूँक करते हैं, तो उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने मम्मी को मतलब मुझे भेज दिया था। तो मम्मी के साथ उन्होंने पूरी बात करी कि इसके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है बट ये आप लोगों को बता नहीं पा रही है, तो शी इज़ स्कैर्ड कि मतलब आप लोग का क्या रिएक्शन होगा ये वो, क्योंकि मुझे सपने भी बहुत गंदे गंदे आते थे, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, सपने आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, बैक टू बैक स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, सो विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो फिर उन्होंने बोला कि आई वॉज नॉट अलाउड, एक साल तक मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, आई वॉज नॉट अलाउड टू ओपन माई हेयर कि पीछे लग जाएगा, वो था भी फैक्ट भी था, सो दिस वॉज इट। मैं तो हेयर कट करा लेता हूँ। ओ भाई, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मतलब घर से निकलते हुए आई नीड माई परफ्यूम, या अगर मैं यहाँ से वहाँ पे जा रही हूँ तो मुझे। लास्ट इंसिडेंट कब हुआ था? लास्ट इंसिडेंट अभी रीसेंट वाले घर पे जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ तो मुझे भी नहीं पता। ये भी तुझे भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता। और अगर तू फाइटर नहीं था और अगर तू मेरे रूम में आया था, फाइटर नहीं था क्योंकि वो मेरे घर रहते ना उस टाइम ना, क्या क्या चीजें लेकर आ गया वो। बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, अगर तू मेरे रूम पे आएगा आई विल शो यू फिंगरप्रिंट है। नहीं मुझे मत दे गई हो। किसी का फिंगरप्रिंट है? मैंने मम्मी लोगों को बोला कि ये नहीं था गलतक, कहती कि नहीं किसी के हाथ से लग गया होगा legit, और वो कूद के आया था मेरे पास। मतलब I was sleeping, ठीक है, तो मैं ऐसे सो रहा था, तो सोते सोते अचानक से I felt कि somebody just climbed नीचे से ऐसे मेरे ऊपर आया और मैं ऐसे हो गई और हाथ उसने ऐसे लगा के वो ऐसे कूद के आया। सो मतलब पलंग काफी क्लोज है टू द वॉल, सो यही था लास्ट। केविन और सुविन को जाना बनता है, पुराने वाला घर तो चलो मेरी मासी रहती है, ब्लॉग बनाएंगे भाई। मासी अभी भी क्यों रहती है मुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता है अभी सब वो कमरा बंद है अभी भी, पर नहीं, दैट रूम इज ओपन, वी आर यूजिंग इट, वी आर यूजिंग द फुल हाउस, मेरी मामी ऊपर रहती है, नहीं वो वाला जो स्पेसिफिक कमरा था जहां पे वो फैमिली रहती थी वो खुला है वो, और हम सारा क्लेंजिंग वगैरह हो गई है, प्रॉपर पैसे तो नहीं खाए ना, जाते सब को फील नहीं होता वहां पर, बहुत कम लोग, हां बहुत ज़्यादातर तो इसी को होता था मेरे साथ, उसका भाई अकेला रहा है, मतलब इसके जो बड़े भाई है वो अकेले रहे, तीन तीन चार चार भैया को भी हुआ था। अच्छा हाँ, भैया के साथ भी हुआ था। सो तुम वो बन जाओ भाई, हेड और लोरेन नहीं है जो कांचरे वाले लोग तो बोलते हैं, पता है कि तू इसको ना एज अ पॉजिटिव वे में ले और तू ये सब कर, बट मेरी खुद की भर्ती है, मैं एक अगली बार जब तेरे बात कर रही हूं उसकी क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है अभी तो बहुत कम हो गया, बट आपको रहना है यहां पे, रेंट दिला दो, पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर हम कहीं पर शिफ्ट भी होते हैं घर देखते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि एक बार तू जाके देख ले तेरी सैटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट, पहले जाया फिर वास्तुशास्त्र उसके बाद फिर आर्किटेक्ट जो बनाएगा बिल्डिंग। ऑन दैट नोट थैंक यू जया, अगले दो तीन दिन तक तो नींद नहीं आएगी, मस्त नींद आएगी।